नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही सियासी हलचल तेज हो गई है। जयपुर में बीजेपी मुख्यालय में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोर कमेटी की बैठक ली। इसमें कांग्रेस के खिलाफ चुनावी यात्रा निकालने का टास्क दिया है। जेपी नड्डा ने संगठन की नई टीम को लेकर कहा, पार्टी के जो संगठन पदाधिकारी चुनाव लड़ना चाहते थे उनको ठीक ढंग से चुनाव लड़ने के लिए फ्री किया गया, साथ ही नए लोगों को चांस दिया गया। नड्डा के इस बयान की सियासी हलकों में चर्चा हो रही है। इस बयान के मायने ये भी निकाले जा रहे हैं कि संगठन पदाधिकारियों को चुनाव नहीं लड़ाने का नियम भी लागू किया जा सकता है। कोर कमेटी की बैठक के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने राजस्थान की गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। पेपर लीक को लेकर जोशी ने कहा, चोर की माँ कहाँ है कोई नहीं पूछता। बाबूलाल कटारा ने कहा कि 1.5 करोड़ रुपए दिए हैं। किसको 1.5 करोड़ रुपए दिए हैं ये अब तक नहीं पता चला है। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।